क्या टीम इंडिया को खामोश कर पाएंगे पैट कमिंस? क्या एक बार फिर पैट कमिंस भारतीयों के सामने कर पाएंगे? वेल, पैट कमिंस वो कैप्टन हैं जिन्होंने बीते कुछ सालों में बहुत इज्जत कमाई है, शोहरत कमाई है, भारत को दो बड़े झटके दिए हैं जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप है। एक साल में भारत को दो हार दी। ऐसा लगा कि पैट कमिंस तो ऐसे कप्तान हैं जो अजय हैं। इंग्लैंड उनके सामने एशेज नहीं जीत पाता, इंडिया उनके सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाती, ओडीआई वर्ल्ड कप हम हार जाते हैं। लेकिन फिर कमिंस आईपीएल में फाइनल हार जाते हैं, गंभीर के सामने उनकी एक नहीं चलती और दो दो बार गंभीर की टीम उनकी टीम को हराती है जब वो कप्तान होते हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम उन्हें हराती है T20 वर्ल्ड कप में और उसके बाद कमिंस खामोश हो जाते हैं। लेकिन अब कमिंस फिर वापस आए हैं और कमिंस कह रहे हैं कि मुझे एक बार फिर इंडिया को साइलेंस करना। पैट कमिंस कह रहे हैं कि मैं इंडिया के सामने बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीतने आता हूं। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा पीढ़ी के अधिकांश खिलाड़ियों के लिए ये एक अधूरे सपने जैसा है। हम आपको बता दें कि 2014-15 के बाद इंडिया के सामने कोई भी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीती है। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी, टीम इंडिया जो है पिछले दो बार से तो ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को उनकी धरती पर पटक कर आई और ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो चारों खाने चित हो गई थी। मतलब गैबा में जो हार हुई थी वो तो ऑस्ट्रेलिया ही बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे। उसी को लेकर कितनी कहानियां आई थी कि इंडिया को होटल में बेडशीट तक उनके लोग चेंज करने नहीं आ रहे थे, वहां की मेयर मिलने नहीं आ रही थी, इतना नाराज हो गए थे लोग क्योंकि इंडिया ने उन्हें 30 सालों बाद हराया था गैबा में। 30 साल से वो पराजित थे, कोई टीम उन्हें गैबा में हरा नहीं पा रही थी, अपने गुरूर में थे। लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें उनकी धरती पर जाकर पटका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चारों खाने चित हो गई थी। इस बार भारत की नजरें हैं कि तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराया जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजरें हैं कि बहुत हुआ भाई, हैट्रिक थोड़ी ना लगने देनी है। और इसीलिए कमिंस कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ जीता कप्तान के तौर पर लेकिन बॉर्डर गवास्कर सीरीज नहीं जीती। इस बार बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीती, पिछली बार 2-1 से बराबरी हुई थी और क्या कमाल की सीरीज थी। विराट कोहली कप्तान थे, पहला मैच इंडिया 36 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, शर्मनाक हार होती है, विराट वहां से लौट आते हैं, लोग कहते हैं इंडिया कॉन्फिडेंस गिर गया। फिर अजिंक्य रहाणे आते हैं, हीरोइक पारी सेकेंड टेस्ट मैच में खेलते हैं, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, नटराजन, अश्विन, बहुत सारे नए नए लड़कों ने मिलकर जो फतेह की वो कमाल थी, अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी और उसके बारे में वर्णन आज भी होता है। भारत के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज खेल चुके पैट कमिंस ने ये बताया कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के तमाम जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अधूरे सपने जैसा है और इस बार वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया को हरा कर ये काम करेंगे। कमिंस कहते हैं कि ये ट्रॉफी ऐसी है जिसे मैंने पहले कभी जीता नहीं था, एक ऐसी ट्रॉफी है जिसे हमारे ग्रुप के बहुत से खिलाड़ी नहीं जीत पाए हैं। हमने टेस्ट ग्रुप के तौर पर पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया है, आप लगातार अच्छा करते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है जो आपको परेशान करता है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इंडिया को इस बार हराना चाहता हूं। हम इस बार चाहते हैं कि हम टॉप टीमों को टॉप पर हराएं और इस बार हम ये करना चाहते हैं। हालांकि कमिंस ने इंडिया की तारीफ की, कहा कि एक अच्छी टीम इंडिया, हम उनके साथ काफी खेलते हैं, हम उन्हें जानते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम बेहतर टीम हैं। पिछले साल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर में हराया था, हालांकि इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हरा दिया था, वनडे वर्ल्ड कप में भी हराया था, लेकिन फिर इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में हराया। अब फिर से कहानी शुरुआत हो रही है। कमिंस ने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद वापस लौटेंगे बॉर्डर गवास्कर से, कह रहे हैं कि मैं अपने आप को तरोताजा रखना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मैंने 18 महीने से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद लगातार गेंदबाजी की, अब ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं लौटूंगा, 7 या 8 हफ्ते का ब्रेक मिलेगा, अच्छा आराम होगा, बॉडी रिकवर होगी और फिर तैयारी शुरू होगी, देखते हैं। लेकिन फिलहाल कहानी यह है, क्या कमिंस इंडिया को एक बार फिर साइलेंस कर पाएंगे या इंडिया उन्हें पटक कर उनका गुरूर तोड़ेगी? हालांकि कमिंस ने काफी कुछ जीता है यार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 2023 वर्ल्ड कप, एशेज को रिटेन करना, ICC क्रिकेटर बने, SRH फाइनल में गई, तारीफ तो उनकी हुई है लेकिन मुकाबला रोहित शर्मा के साथ है जिसने उन्हें T20 वर्ल्ड कप में हराया था, नई इंडिया के साथ है। लेट्स सी क्या कमिंस फिर से
कर पाते हैं या हो जाते हैं।